नामा गांव आप पहुंचे हैं और आप देख रहे होंगे कि विजुअल में किस तरह से यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें यहां बाबा महतो साहब का मेला लगता है, भव्य मेला लगता है, राजकीय दर्जा भी प्राप्त है और यहां के स्थानीय लोग लगातार राष्ट्रीय मेला की मांग कर रहे हैं। समझ सकते हैं पूरे बिहार से लोग यहाँ पहुंचते हैं और वैसे में देख सकते हैं हमारे साथ अभी अमित जी हैं जिनका यही गांव है, खुद IITian होने के बावजूद समझ सकते हैं विश्व के कई देशों में इन्होंने सेवा प्रदान किया है और उसके बावजूद कहीं कहीं इनका यहाँ गांव है और मेला जो है इन्हें आकर्षित करता है और हर वर्ष जैसे यहाँ ग्रामीण का कहना है हर वर्ष ये यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ जितना भी आप पहुंचेंगे जब चाहे वो पेयजल शरबत भोजन का व्यवस्था हो सारा अरेंजमेंट इनके तरफ से होता है। तो हम इनसे बात करते हैं कि इतना बुद्धिजीवी होने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक तरफ जहां लोग शिक्षित होने के बाद विदेश जाने के बाद स्वदेश आने के बारे में भी बहुत लंबे समय तक नहीं सोचते हैं और वैसे में ये यहाँ पहुंचते ही नहीं है बल्कि अपने गांव के साथ साथ समाज के जो भी लोग यहां पहुंचते हैं उनके स्वागत की व्यवस्था करते हैं। सर सबसे पहले आपका बिहार के आवाज में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। हाँ सर, इतना भव्य मेला आपके गांव में लगता है सर जी। लोग बता रहे थे आप प्रत्येक वर्ष यहाँ मेला जब भी लगता है यहाँ पहुंचते मैं आता हूँ यहाँ पे जी सर। बाबा से हमारी श्रद्धा बचपन से जुड़ी हुई है और बाबा हम लोग के कुल देवता भी जी। तो कुल देवता के नाते और बाबा हमारे ग्रामीण है, संत है, उस नाते हमारा उनसे श्रद्धा हमेशा से रहा है और मुझे लगता है कि जीवन में जो कुछ भी पाया हूँ वो उसमें बाबा का बहुत बड़ा योगदान रहा, आशीर्वाद रहा जी। कई लोग बता रहे थे सर कि विदेश में भी आप कई स्थानों पर सेवा दे चुके हैं, थोड़ा सा हम चाहेंगे हमारे व्यूअर को बताइए आप सर। मैं ISM धनबाद से 2004 में पास किया हूँ और मेरा ब्रांच पेट्रोलियम था। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में मैंने 6 कंट्री में काम किया है जिसमें से गल्फ कंट्री है, सऊदी अरब है, अबू धाबी है, मस्कट है, अंगोला है, कैमरून है, अभी मोजाम्बिक से मैं आ रहा हूँ। तो हम लोग का जो पढ़ाई है वो तो एक अलग विषय है। बाबा तो हम लोग के यादों में खून में बसे हुए हैं, उनके प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसी का निर्वहन कर रहा जी। मतलब उनके संदर्भ में जो कहानी प्रचलित है तो क्या ये कहानी भी आप विभिन्न स्थानों पर चर्चा करते होंगे? बिल्कुल चर्चा करते हैं जी। और उनकी जो मित्रता थी मखदूम बाबा से बिहार शरीफ में उसकी भी चर्चा करते हैं जी। और जब बाबा अपने समय में थे तो क्या सामाजिक सौहार्द को उन्होंने ताना बाना उसमें बुना था कि मखदूम बाबा भी उनके बहुत अच्छे मित्र थे और जो संत होते हैं और संत के उस लेवल पे पहुंचते हैं उनके लिए तो सारा विश्व सारा समाज उनके लिए अपना होता है जी। वो ना तो किसी जात पात के बंधन में बनते हैं ना किसी धर्म के बंधन में बनते हैं। तो मैं बाबा को ये समझता हूँ कि सामाजिक सौहार्द के वो प्रतीक रहे हैं और हमारे कुल देवता हैं, मेरा कर्तव्य उनके प्रति बनता है, उनके प्रति सेवा करने का। क्या लगता है सर सरकार द्वारा जो सुविधा दिया जाना चाहिए मेला को वो प्राप्त हो रहा है? सरकार अपना काम कर रही है और देखिएगा कि नीतीश जी के सरकार में ही इसको राजकीय मेला का दर्जा मिला है जी। तो मैं और पूरे ग्रामीण के तरफ से, ग्रामवासियों के तरफ से और बाबा के श्रद्धालुओं की तरफ से नीतीश जी को और उनके सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गांव में जो प्रत्येक 2 वर्ष से मेला होते आ रहा है उनको उन्होंने राजकीय मेला का दर्जा देने का उन्होंने काम किया है। तो आपके चैनल के माध्यम से नीतीश जी को बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे ग्रामीण तरफ से, श्रद्धालुओं की तरफ से कि उन्होंने राजकीय मेला का दर्जा किया। एक बार चाहेंगे सर अपना परिचय बता दें। मेरा नाम अमित हुआ, अमित कुमार मेरा नाम है, मैं परनावा ग्राम का ही निवासी हूँ। मेरा पढ़ाई ISM धनबाद से हुआ है, सन 2004 में मैंने वहाँ से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। पेट्रोलियम में जो ड्रिलिंग का क्षेत्र है जिसमें तेल के कुएं को बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसमें मेरा एक्सपर्टीज है और विदेशों में रह करके और देश में भी बहुत अन्य जगह पर काफी स्पेशलाइज सर्विस हम लोग देते थे। कहीं ना कहीं इस मुद्दा से एक अलग प्रश्न पूछना चाहेंगे सर। जी, जी। क्या लगता है पेट्रोल की महंगाई की लगातार यहाँ चर्चा होती है जी, जी। आप फॉरेन में भी रह चुके, क्या लगता है कि भारत में जो पेट्रोल का रेट है या डीजल का रेट है जी। क्या लग रहा है ज्यादा महंगा है? देखिए पेट्रोल का जो रेट है ना, हमारी जो जनसंख्या है ना, तो उसके हिसाब से हमारा जो कंजम्पशन है, आप देखिए कि आज से 30 साल पहले जब हम लोग बच्चे थे
तो सड़कों पे उतनी गाड़ियां नहीं दिखती थी। जी अब तो बहुत सारी गाड़ियां हो गई हैं, गाड़ियां अधिक होने के चलते और भारत ने जो विकास की रफ्तार पकड़ी है उसके चलते तेल का कंजम्पशन पहले की अपेक्षा बहुत गुना बढ़ चुका है। जी अब ये सप्लाई और डिमांड का मार्केट है। यस अगर आपका डिमांड ज्यादा हो रहा है, सप्लाई लिमिटेड है, तो ऑब्वियसली आपका प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा। और विश्व में भी भाग रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में भाग रहा है। जी भारत सरकार जो जो कर सकती है वो कर रही है। अभी मोजाम्बिक गवर्नमेंट से उन लोगों ने गैस के लिए उन्होंने करार किया है, और ONGC का एक अलग है, ONGC विदेश लिमिटेड करके, जो यस कि विदेशों में जाकर के तेल के लिए करार करती है ताकि अपने देश में तेल आ सके। जी। और कहीं ना कहीं सर ऊर्जा के जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं उसको ज्यादा से ज्यादा रिन्यूअल सोर्सेज पे तो भारत सरकार बहुत काम कर रही है और बहुत सारे जी छूट भी दे रही है ताकि आप सोलर सोलर पैनल लगा सकें, लगा सके। देखिए, तेल जो है सो एक लिमिटेड रिसोर्स है। यस तेल जो बनता है वो मिलियन ईयर्स, मतलब करोड़ों साल प्रोसेस के यस सर प्रोसेस से बनता है, उच्च तापमान उच्च दबाव में रह करके। वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, जी कभी न कभी वो खत्म होना है। तो अगर आपके पास एक संसाधन सीमित है तो आपको उसको कैसे खर्च करना है उसकी भी योजनाएं बनानी पड़ेंगी। यस तो इसमें नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा कि भाई अपने घरों पे अब सोलर पैनल लगाएं। अब सोलर पैनल इतना इतना एडवांस आ चुका है कि 1,000 स्क्वायर फीट में आप 15 किलोवाट सोलर पैनल का लगा सकते हैं। यस मैं अपने घर पे 15 किलोवाट का लगाया हुआ, मात्र 1,000 स्क्वायर फीट ले रहा है। जी और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो सरकार की योजना है ताकि आप जो बिजली उत्पादन कर रहे हो वो बिजली घर को चला जाता है, तो मेरा 15 किलोवाट जो मैं लिया हुआ सोलर पैनल, मेरे महीने का 1,000-2,000 रुपये बिल आता है। मतलब पीएम कुसुम योजना की बात कर हाँ रहे हैं हाँ पीएम कुसुम यस योजना, उसी के तो सरकार इस पे काफी अग्रसर है ताकि लोग रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज करें, क्योंकि तेल जो है एक लिमिटेड रिसोर्स है और कभी इनका भी ये फिनिश होना है, क्योंकि बनने में मिलियन ईयर्स लगता है, खर्च होने में तो जी तुरंत खर्च हो जाता है। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने सुना ये अमित जी थे जिनसे हमने परनामा बाबा महतो साहब का मेला संदर्भ में प्रश्न प्रारंभ किया और कहीं कहीं ऊर्जा जो पूरे विश्व के लिए एक चुनौती है उस